एक छोटा कण। हाँ, मौसम भी कितना प्यारा है ना। अरे केंट कहाँ चला गया? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये लो तुम सबकी आइसक्रीम। टिम, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी। लूक और मोमो, तुम दोनों के लिए भी लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी आया। ओ, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी आइसक्रीम गिर गई। I'm sorry. कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। चलो अब जल्दी से गले लग जाओ। ये देखो देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। ये लो केंट, मेरे प्यारे दोस्त। चलो केंट, अब तुम खुश हो तो इसी बात पर एक प्यारा सा गाना सुना दो। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। खुश रहना है एक्सेलेंट, लेकिन रोना नहीं है रेलेवेंट। इमोशंस के बिना नहीं है एंटरटेनमेंट। मजा आ गया। चलो एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तो गेम में हार जाने पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके अपने दोस्त को सॉरी कहते हैं तो गुस्सा भाग जाता है। चलो चलो, भागो भागो, जाओ जाओ जाओ। कभी कभी हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा कितना सारा काम बचा है, कुछ समझ नहीं आता। और तब हमारी टीचर हमारा साथ देती है और काम पूरा करने में हमारी मदद करती है। पता है दोस्तों, हम हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते। हम सब में सारी फीलिंग्स होती हैं। ये बात हमें टीचर ने ही सिखाई है। आप सोच रहे होंगे ना हम में क्या फीलिंग्स होती हैं? रुको, मैं समझाता हूँ। कभी कभी हम सब खुश होते हैं, कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो कभी कभी घबरा जाते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? टीम को मस्ती करनी थी, हम सब पिकनिक पर थे और अचानक उसने हमें डरा दिया। वो बहुत मस्ती के मूड में था और हमने उस दिन बहुत मजे किए। वाह, आज मजा आ रहा है ना? वो देखो गुब्बारे वाला। चलो गुब्बारे खरीदते हैं। अरे ये बने क्यों लड़ रहे हैं? बाप रे, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सब सब इधर आ जाओ। टीम, तुम जाओ समझाओ। ये लो और लड़ाई मत करो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग क्यों दुखी हो? ये गुब्बारा लो और जल्दी से मुस्कुराओ। दादी माँ, ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह, सब कितने खुश लग रहे हैं ना। चाहे जो भी हो जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और बाकियों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, केंट आपसे जल्द ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मैं मेले में बहुत मस्ती करूँगा। वाओ, कितने सारे खिलौने हैं, आज तो बहुत मजा आएगा। पर लगता है ये सारे खिलौने मुझे मिल नहीं सकते, इनके लिए मुझे 3 टिकट्स खरीदनी होगी। अरे वाह, लुक तुम भी यहाँ हो। पहला चैलेंज है इन गेंदों को कैच करना। नीचे एक भी नहीं गिरनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं पकड़ लूंगा। मैं पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हाँ, मैं एक भी गिरने नहीं दूंगा, दूर जाके पकड़ूंगा। जल्दी जल्दी, स्विमिंग पूल में गिरने नहीं दूंगा, जल्दी से पकड़ लूंगा। पकड़ लिया, ये ये। मुझे पहली टिकट मिल गई, मतलब एक चैलेंज पूरा हो गया। अब दूसरी टिकट, अगला है बाइसिकल चैलेंज, इसे भी पूरा करूंगा। आसान लगता है। नहीं, मुश्किल लगता है, डर लग रहा है, कैसे करूंगा? पर यही तो चैलेंज है, अपनी डर से आगे बढ़ के चैलेंज को पूरा करना। और ये देखो, मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे मिलने वाला है मेरा इनाम, यानी कि दूसरी टिकट। देखो मिल गई, मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा और टिकट मिल गई। दूसरा चैलेंज भी पूरा हुआ। अब है तीसरा चैलेंज, यानी हुला हूप चैलेंज। ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, गोलू मोलू हो ना इसलिए। चलो चलो करता हूँ। अरे गिर गया, फिर से कोशिश करके देखता हूँ। कोई बात नहीं, ये देखो। अरे वाह, गोल 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 गोल, और फेंको, फेंकते रहो, बहुत बढ़िया, मैं नहीं रुकूंगा। तीसरा चैलेंज पूरा हुआ और टिकट मिल गई। तीनों टिकट मिल गई, अब टेडी बेयर भी मिल जाएगा। अब बस देखना है कि नंबर्स मैच करेंगे या नहीं। काश मैच कर जाए। ये नंबर्स मैच हो गए, मैं जीत गया। अरे वाह, टेडी मिल गया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। बाय बाय।
पॉइंट और आज मैं ढूंढने वाला हूँ गोल्डन बनाना यानी सुनहरा केला, जिसके लिए पार करना होगा पेड़, उसके बाद एक दीवार जिसमें आकार है और सबसे आखिर में जादुई पत्थर। मेरा नाम है केंट, मुझे मिलेगा बनाना इन द एंड। मैं पेड़ के पास पहुँच गया, यहाँ मुझे 3 फ्रूट यानी फल इकट्ठे करने हैं। चलो मेरे साथ आओ। ये हो गया 1, 2 और 3 एप्पल्स। ये मैंने कर दिखाया, दरवाजा भी खुल गया। अब अगला पड़ाव है उस दीवार तक पहुंचना जहां आकार बने हैं। मैं तो चला बस पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा तो यहाँ मुझे आकर आकार ढूंढना है और उसके बाद दीवार में उन्हें फिट करना है। पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, कोशिश करके देखता हूँ। ये है ट्रायंगल यानी त्रिकोण। नहीं ये तो गलत है। स्क्वायर यानी चौकोर। नहीं ये भी गलत है। अब सर्कल यानी गोला लगा कर दिखता हूँ। मैंने कर दिखाया, ये दरवाजा खुल गया। अब अगला पड़ाव है जादुई पत्थर। चलो चलो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा। अरे ये क्या? अच्छा पत्थर पर जो सेब बना है उसमें रंग भरना है। ओहो तो कौन सा रंग भरना चाहिए? ब्लू यानी नीला? नहीं नहीं, रेड यानी लाल। हाँ यही कलर है। हम सबको रोज एक एप्पल यानी सेब खाना ही चाहिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये। वाह ये वाला पड़ाव भी पूरा हो गया, दरवाजा खुल गया। अब बस मुझे उस केले तक पहुंचना होगा। सुनहरा केला मैं आ रहा हूँ। मैं सारे पड़ाव अच्छी तरह से पार कर चुका हूँ, मजा आ रहा है। अरे वाह वो देखो केला। हाँ कितना सुंदर लग रहा है। मिल गया, अगली बार फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकुल सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। और जानते हैं आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? कोई गैस कर सकता है? चलो देखते हैं। पहले मैं इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करूँगा और गैस करना मैंने क्या बनाया है। ओह कौन सा शेप है ये, कोई गैस कर सकता है? मैं बताता हूँ, ये है रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब मैं इसमें एक दूसरे कलर की चॉक से कलर भर देता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? वाओ! अब बताओ ये कौन सा कलर है? पिंक यानी गुलाबी। और गुलाबी रंग की लॉलीपॉप्स होती हैं। सही कहा ना? चलो दोस्तों अब दूसरे आकार की बारी है, बताओ ये कौन सा आकार है? आकार को शेप भी कहते हैं, तो ये कौन सा शेप है? ये है सर्कल यानी वर्ग। अब मैं इसमें भरने जा रहा हूँ रंग, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और आपको गेस करना है कि मैंने इसमें कौन सा रंग भरा है, कौन सा कलर है ये? हाँ येलो यानी पीला, जिस रंग का सूरज यानी सन होता है। ये चलो फिर से गेस करो कि मैं क्या बना रहा हूँ। बताओ बताओ कौन सा शेप है ये, कोई गेस कर सकता है? ये है स्क्वायर यानी चौकोर। अब मैं इसके अंदर एक प्यारा सा रंग भरने वाला हूँ। अब तुम सबको इस रंग को पहचानना होगा, तो कौन सा कलर है ये बताओ? ये है ग्रीन यानी हरा, जिस कलर की ब्रोकली होती है। अब मेरे पास 3 आकार हो गए, अब मैं इन 3 आकारों से एक बस बनाऊंगा। ये आया आयत, उसके बाद गोले से टायर्स और चौकोर की खिड़कियाँ। अब थोड़ी सी फिनिशिंग दे देता हूँ और तैयार है मेरी बस, जो कि जाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों।
रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।